स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा। देखिए, ये अल्लाहपुर में जो हमारी कोचिंग है न्यू आकार एकेडमी, यहाँ पे सुबह और शाम दोनों समय में क्लासेस शुरू हो गई हैं और अभी दोनों क्लासेस नहीं हैं। मॉर्निंग की जो बैच है वो है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और इवनिंग की जो क्लास है वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इन क्लासेस में क्या है कि जिसको जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वर्तमान में सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आप तो यह बात पता होगा कि मैथमेटिक्स ऐसे नहीं हो पाती। मतलब आप सोच लो कि हमारे पास 6-2 महीने का टाइम, हम जल्दी से तैयार कर लेंगे, ऐसा होगा नहीं। मैथमेटिक्स जब तक आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। जब भी सवाल पढ़ेंगे हर बार आपको नया ही लगेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ और अगर इलाहाबाद क्षेत्र में रहते हो तो इस स्थान तक पहुँचने का प्रयास करें। सुबह 7 की बैच एक बार क्लास लेकर देखें, धुआंधार बैच चल रही है, उसमें आप अपनी सारी शंकाएँ, वर्तमान में परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज में शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक बात, कैसे यूनिट बदली जाएगी, कैसे जो है सवाल हल किए जाएंगे, जनसंख्या के सवाल कैसे हो पाएंगे, किसी तरह के भी कैसे सवाल बन सकते हैं, जो नए सवाल आते हैं वो किस नेचर के आ रहे हैं, जो पुरानी किताबों में सवाल दिए गए हैं वो किस नेचर के आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर अगर आप चाहते हैं एक कंप्लीट डिस्कशन तो सुबह में एक मुलाकात करें, सुबह 7 से 9। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक एक बात, चूँकि इंडिविजुअल हेल्प होती है, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पर केवल खड़ा रहता, मैं देखता हूँ एक सवाल बोलने के बाद जाता हूँ बीच में और देखता हूँ कि कौन सा लड़का क्या कर रहा है। बताऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, वो आपके साथ हुई। पहाड़ा पढ़ने में गलती हो रही है, जोड़ने में गलती हो गई, घटाने में गलती, एक डिवीज़न मैंने दिया, डिवीज़न में माइनस करने में गलती हो रही है, ये हैं स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि वो गलती करना चाह रहे थे, उनको पता ही नहीं कि गलती हो गई उनसे। इसे कहते हैं सिली मिस्टेक्स, और सिली मिस्टेक तभी दूर हो सकते हैं जब आप उस पर अभ्यास करें। मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं एक परीक्षा पास करने के लिए, तो मैथमेटिक्स पर वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है, तो क्या करे, वो पास तो होना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप हमें समय दीजिए 7 से 9। 2 घंटे जब समय देते हैं तो 2 घंटे में ही आपका, अगर घर पे जाकर कुछ नहीं पढ़ते तो भी आप परीक्षा तक इस लेवल पर आ जाते हैं कि फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये सुबह की क्लास है, शाम की क्लास अभी तय बन रही है, अभी कुछ कम ही स्टूडेंट हैं, 5 से 7 हो रही है, शुरुआत हो गई है, चलना शुरू हो गई है। और आगे चल करके सोचो, अगर ये क्लास अभी आप लेते हो तो उसका आगे चल करके क्या आपको एग्ज़ाम मिलने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो वर्तमान में हमारे पास क्या क्या आ रहा, छोटी परीक्षा से लेकर हम शुरू करते हैं, छोटी परीक्षा आपकी होगी तो शुरू करें तो अभी जैसे UPP जाने वाली है, UPP आ रही है, आएगी ही आएगी, बहुत दिनों से आ रही है तो आ ही जाएगी। UPP के अंदर अगर आप देखें तो सिलेबस अरिथमेटिक आना है, केवल अरिथमेटिक आना है, बस अर्थमेटिक्स आएगी। तो अर्थमेटिक्स में क्या आएगी भाई, संख्या पद्धति आएगी, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आएगी, तो संख्या पद्धति से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं। अब संख्या पद्धति से क्या रिलेटेड है, दशमलव इसी से रिलेटेड है, लघुत्तम इसी से रिलेटेड है, वर्ग वर्गमूल हुआ, सरलीकरण हुआ, ये सब संख्या से संबंधित सवाल है, कैलकुलेशन होगा, प्ले विथ नंबर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद शुरू होगा आपका एवरेज है, आयु है, घातांकारी। इसके बाद जब परसेंटेज का ग्रुप शुरू होगा तो प्रतिशत के ग्रुप में आप देखोगे तो प्रतिशत के ग्रुप में 5 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, प्रतिशत, लाभहानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 5 ग्रुप लेकर के आए हुए हैं परसेंटेज महोदय। ऐसे ही जब आप रेशियो में जाओगे, अनुपात में, तो अनुपात में आपको फिर 5 चैप्टर्स का एक बंच मिलेगा, अनुपात, समानुपात, साझा, मिश्रण, मिससमानुपात, 5 चैप्टर्स पूरा का पूरा इनके साथ चला जाएगा। अगर आप देखोगे फिर आपके पास आएगा समय, चाल समय, काम समय देखें जब, तो काम समय और पानी की टंकी मिला करके 2 चैप्टर्स का ग्रुप इनके पास मिलेगा। ऐसे ही चाल समय आएगा, यानी दूरी समय जिसको आप कहते हैं चाल समय, तो ये इसके साथ चाल समय, रेलगाड़ी और धारा, 3 चैप्टर्स इनके साथ मिल जाएंगे। और मेंसुरेशन जब आप देखेंगे तो मेंसुरेशन के अंदर में तो ढेर सारा क्या पूछना है, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन के अंदर तो पूरा का पूरा पार्टी ही है, ढेर सारे डिजाइन है वहाँ सर, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, ढेर सारी चीज़ें, 2D 3D के ढेर सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी इधर की बातें, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे बीच में जो आपको लगेगा कि हाँ आपको इसकी तैयारी करना और बेहद ज़रूरी है, जो जैसे सीरीज के सवाल बन रहे हैं आजकल,
सीरीज को मैथमेटिक्स में डाल दिया, है तो रीजनिंग का सवाल लेकिन सीरीज के सवाल भी इसमें डाल दिया। कहीं आप देखोगे अगर नई किताबें खरीदोगे तो नई किताबों में पर मैथमेटिक्स की किताब में कैलेंडर के सवाल दे दिए गए हैं। दरअसल ये सब कुछ मैथ पर ही तो टिका हुआ, तो ये आपके जैसे अर्थमेटिक का सिलेबस ही हो जाता। इसके साथ DI एक चैप्टर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ये DI कितना महत्वपूर्ण है कि आप सोचो कि PET का जब एग्ज़ाम होता है, PET में 25 क्वेश्चन टोटल मैथ के हैं और 25 में से 20 क्वेश्चन इसी से आने हैं, 5 क्वेश्चन बाकी में से आएंगे और 20 क्वेश्चन केवल DI से आएंगे, और यह भी आपके UPP के सिलेबस में आता है। तो ये रही UPP की बातें। अगर हम किसी और की बात करें, UPP की बात, अगर SSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप जानते हैं अभी MTS का एग्ज़ाम चल रहा था, तो ये SSC 2016 में एक बार गड़बड़ाया था, उसके बाद जब शुरू हुआ तो लगभग अपने आप को मेंटेन कर लिया है। छुटपुट घटनाएं तो सुनने को मिल रही हैं लेकिन उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही रहेगा। तो अगर हम SSC में जाएंगे तो SSC में हमें टोटल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। टोटल में क्या पढ़ना पड़ता, अर्थमेटिक पढ़ना पड़ता और एडवांस पढ़ना पड़ता। अर्थमेटिक की चर्चा हमने किया, एडवांस में जब हम बात करेंगे तो 4 नए चैप्टर जुड़ जाएंगे इसके साथ। इसके साथ आपको ज्योमेट्री जुड़ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री जुड़ जाएगी, एलजेब्रा हो जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। ये 4 चैप्टर और जोड़ दिया जाए अर्थमेटिक में तो पूरा SSC का सिलेबस हो जाए। इन सबको पढ़ने के लिए अगर हम 2 आवर्स डेली की क्लास लेते हैं तो हमें 6 मंथ लगते हैं मेरे भाई। 6 मंथ जब हम मैं लेता हूँ यानी 6 महीना, 180 सोचो, 6 महीना का मतलब होता है कि पूरे 180 दिन, और 180 दिन 2-2 घंटे, संडे अंडे हटा दिया जाए, हालांकि संडे को कभी कभी बड़ी क्लासेस हो जाती हैं, तब जाके मैथ पर एक ज़बरदस्त प्रयास पकड़ बन जाती है। फिर किसी भी परीक्षा से कभी डर नहीं लगता। और इसकी पूरी फीस जो SSC की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो इसकी पूरी फीस केवल 5,000 रुपये। आश्चर्य होगा ये 5,000 क्यों है, 15,000 क्यों नहीं है। आप में से जितने लोग हमको जानते होंगे या जानते होंगे बेसिक नेचर मेरा क्या है कि मैं सोचता हूं कि जो पैसे मैंने खर्च नहीं किए उसको मुझे वसूलने का कोई हक नहीं बनता। मैंने बड़ी बड़ी होल्डिंग नहीं लगा रखी शहर में। अच्छा, तो आप देखोगे कि उस नाम से, न्यू आकार अकेडमी के नाम से बड़ी होल्डिंग आपको कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। और जब नहीं दिखाई पड़ी तो उसके लिए हमने पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं किया तो हम फीस कैसे वसूल लें। इसी वजह से हमने फीस अपनी कम रखी, तो 5,000 रुपये। और जबकि अरिथमेटिक अगर खाली पढ़ना चाहते हैं अरिथमेटिक, तो उसकी फीस सबसे कम 3,500। सोचो आप, ये है कहानी। फीस मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ये अपने दिमाग में बैठा ले कि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हम उसके बदले उम्मीद करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा हुआ, अब हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ तो रिटर्न कहाँ से होगा, आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठाएं। अगर आप इलाहाबाद परिक्षेत्र के अंदर कहीं पर भी हैं तो दूरी मायने नहीं रखती, आप साइकिल ले सकते हैं, स्कूटी, स्कूटर जो भी आपके पास है वहाँ के माध्यम से आ सकते हैं और क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। 2-3 क्लास लेने के बाद ही आपको महसूस होगा कि मैंने जो कहा है वो किस स्तर पर कहा है। मैं सारी बातें ऐसे नहीं बता पाऊँगा जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखें कि ये जो क्लास हमारी चल रही है बहुत ज़बरदस्त क्लास है, और उसमें आइए, भाग लीजिए और मैथ को एंजॉय किया जाए, जिससे आने वाली परीक्षा के लिए आपको सोचना ना पड़ जाए। क्योंकि बाद में लड़का कहता हम 0.5 नंबर मेरा कम पड़ गया, क्या करूं। भाई मेरे, अभी मैं समय रहते मैं आपको बता रहा हूं, बाद में ये मत करना कि कोई बताने वाला नहीं। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।